क्या हुआ, सर्दी लग गई? दो नंबर लगा है। अरे ये राजू भाई को दो नंबर लगी है, तो राजू भाई भी दो नंबर करेंगे, फिर हम चलेंगे अंदर। ऐसा ही होगा, आप कुछ और कुछ कर नहीं सकते। राजू भाई बाद में करे तो नहीं चलेगा? बहुत तेज लग गया है। काला मुर्गा पकड़ 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 पकड़, मैं पकड़ता हूँ, मैं पकड़ता हूँ, भाग गया। इतना ठंडे की नहाने का मन नहीं कर रहा है, फिर भी जा रहा हूँ नहाने। नहा कर आता हूँ जल्दी से। हे, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। आज है 1 जनवरी। सो आज हम जाने वाले मस्त अपने महादेव मंदिर। त्यार से जाने के लिए हमको 1 घंटा लग जाएगा, और मैं अकेले नहीं, मेरे साथ एक और जन जा रहा है, उनका नाम, चलो उनको मिला दूंगा आपको। तो चलो हर हर महादेव, चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अभी तो मैं अपने गली के नीचे खड़ा हूँ, और अभी रेडी होकर एकदम मस्त तैयार हो गया हूँ, और अब चलते हैं घूमने। जाने में बहुत देर लग जाएगा, और अभी बज रहे 8, और एकदम से ही ठंड बहुत ज़्यादा है आज। सो अभी राजू भाई के पास यहाँ पे आ चुका हूँ मैं। अभी राजू भाई आएंगे, फिर हम चलते हैं। देखो राजू भाई आ रहे। 1 घंटा लगेगा जाने में। हर हर महादेव। डीमार्ट भैया, आपके यहाँ पे मिल गए। देखो सूर्य तो दिख रहे हैं, पर एकदम लाल लाल अभी भी दिख रहे हैं। फाइनली मेरा टोपी उड़ गया था अभी, इसलिए मैं टोपी को यहाँ पे नीचे रख दिया है, गलत मत सोचना। तो रास्ता अभी इतना अच्छा वाला रास्ता आया है, क्या आपको बता दूँ। चलो रास्ता देख लो आप, बंपर भी बहुत बड़ा है, बहुत सारा बंपर है। हम पूरे गांव एरिया में आ चुके हैं हम अभी। सो अभी 6 किलोमीटर दूर है, और हमको जाने में अभी कम से कम 8 मिनट लग जाएगा। तो चलो चलते हैं, गांव एरिया में पहुंच चुके हैं। ये गांव एरिया है पूरा, दिख रहा है? तो ये जो आप देख रहे हो वो गांव एरिया है। देखो बच्चे लोग कुछ पतंग चगा रहे हैं, यहाँ पे कुछ पब्लिक बैठी हुई है, गांव की दुकान है, ये पता नहीं क्या है, पर दिखने में अच्छा लग रहा है, जो भी हो आई डोंट नो। गाय भैंस यहाँ पे रखा हुआ है। ये क्या झोपड़पट्टी है ना? देखो यहाँ पे कितने सारे लोग बैठे बसे हुए हैं। बाइक तो देखो पूरी मॉडिफाई है, मस्त दिख रहा है यहाँ पे। ओ भाई कहाँ ले रहा है। देखो वाह कितना मस्त लग रहा है यहाँ पे, सब एकदम मस्त, छोटे छोटे बच्चे लोग, क्या ही सीन है। तो थोड़ा हम गांव से अभी अंदर साइड में जा रहे हैं, यहाँ का रोड भी एकदम मस्त है, खाली खाली और सुनसान है एकदम। रास्ते देख रहे हो, ऐसा लग रहा है ऐसे कभी भी कोई भी अचानक से आ सकता है। देखो कैसा कैसा रास्ता एकदम, देखो एकदम नागिन जैसा बना हुआ है। ओहो भाई भाई भाई, जब हम आए थे ना तो हम पीछे वहाँ पे रुके थे, देखो घर दिख रहे हैं ना वहाँ पे एक था इंसान जो भुट्टा बेच रहा था, यानी कि मकई का जो भुट्टा होता है ना वो बेच रहा था, तो हम लोग वो खा रहे थे। आ चुके हैं गलतेश्वर, बस 3 मिनट का रास्ता है और 800 मीटर दूर है। यो फाइनली हम आ चुके हैं गलतेश्वर महादेव मंदिर। ये रहा द्वार, और ये रहा यहाँ का रोड, दिखने में कितना औसम दिख रहा है यार। चलो बहुत दिनों बाद सोचा कि चलो आज न्यू ईयर है तो घुमा जाए यहाँ पे, और राजू भाई की भी यही बात थी, भाई मुझे चलना है वहाँ चलना है। चलो अब हम आ चुके हैं एंट्री, इधर पार्किंग है शायद, नहीं अंदर पार्किंग है, पूरा पार्किंग है, अंदर जाने दो अंदर, उधर पार्किंग होगा, जैसे पार्किंग ही है पूरा।
पार्किंग इधर लिखा है, अंदर डालो उधर से अंदर इधर लगा था ना साइड में। हाँ लगा था ना, अंदर जाने दो रुक, यहाँ उतार दो। दोस्तों हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं यहाँ पे जहाँ पे हमको आना था। मैं अब देख देख कर आया हूँ, अभी भी 2 मिनट लगेगा, पर ये पार्किंग एरिया है, यहाँ से हमको जाना पड़ेगा अंदर साइड। तो चलो यहाँ से अब चलते ही है। उसे तो मुझे भूख प्यास बहुत ज़ोरों से लगा है, क्या ही बता दूँ आपको, बहुत जोर यानी बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। राजू भाई हो रहे गाड़ी पार्किंग लगा रहे, दिख रहे शायद लगा दिए, हैंडल लॉक कर देना। ओके डन नारा डन। क्या हुआ सर्दी लग गई? हाँ 2 नंबर लगा है। अरे आती है राजू भाई को 2 नंबर लगी है, तो राजू भाई भी 2 नंबर करेंगे फिर हम चलेंगे अंदर, ऐसा ही होगा। आप कुछ और कुछ कर नहीं सकते, राजू भाई बाद में करे तो नहीं चलेगा, बहुत तेज लग गया है। बस ये रहा आपका शौचालय, गुजराती में लिखा हुआ है टॉयलेट शौचालय। चलो भाई 2 नंबर अब कर लो, अब मैं क्या करूँ, कैसे कैसे करके यहाँ तक आया, बहुत मेहनत किया हमने आने में, गाड़ी का पेट्रोल वेट्रोल तो भरवाया ही है। पर एक चीज़ है कि बहुत ठंड लग रही थी रास्ते में, और रास्ता बहुत ख़राब भी था, मतलब डेंजर था एकदम कहा जाए तो, और गाड़ी की स्पीड जो थी वो 100 की स्पीड थी। इतनी खतरनाक राइडिंग करते हुए हम लोग आए हुए, 1.5 घंटे का रास्ता था, 1 घंटे 4 मिनट का रास्ता था, तो हम लोगों को उतने में ही यहाँ पे आए हैं। और मुझे अभी भी थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही है क्योंकि सुबह का टाइम है, और हम लोग वहाँ से 8 बजे निकले और पहुँचे यहाँ पे। देखो मेरा घड़ी बोलता है अभी 9 बज रहा है, क्या बात कर रही हूँ। तो आज है न्यू ईयर, और आज हम दोनों यहाँ पीछे गलतेश्वर मंदिर पे आ चुके हैं। अब आपको एक चीज़ बोलना भूल गया था मैं, सोचा कि पहले जब इंट्रो दूंगा अपना तो आज बता दूंगा, बट वहाँ पे ये भूल गया। तो बोलना ये चाहता हूँ मैं कि आज है न्यू ईयर, और आपके साथ जितने भी अच्छे बुरे काम हुए हो, अच्छे काम को तो याद ही रखो, पर जो बुरे काम हुए उनको दिमाग से निकाल दो, और आज के दिन अच्छा करो, अच्छा बनो और बनने की कोशिश करो, है ना। किसी का तो बुरा नहीं करना चाहोगे तुम, बट जो भी मिस्टेक हो जाती है वो हटा दो, और चलो आज के दिन से चालू किया जाए अपना सही तरीके से ब्लॉगिंग, और इसी ब्लॉगिंग के साथ घूमते हैं, देखते हैं कि यहाँ का नेचर कैसा है। और चलो अभी हमें महादेव का दर्शन करना है, महादेव का है बहुत बड़ा स्टैचू है, बहुत बड़ा। तो चलो अभी हम चलते हैं, सूर्यदेव भी अपना नाम ले लिए। तो यहाँ पे चल रहे हैं हम, ये रहा कुछ बड़ा सा इतना गेट है, और ये यहाँ का कुछ देवी भवन है। और यहाँ पे नहाने भी जाने का है। हरे हर महादेव, दिखे हरे हर महादेव, हरे हर महादेव। यहाँ पे अभी लकड़ी लगा हुआ है, आपको ध्यान से दिख नहीं रहा होगा, आगे चलते हो देख लेना, और काम चालू है यहाँ पे, बहुत मस्त लग रहा है एकदम से। यहाँ पे जो मंदिर है बहुत ही अच्छा है, और यहाँ पे कुछ बैठने का प्लेसेस है बहुत सारे, उधर भी है पूरा, और उधर भी है लाइन से पूरा बैठने के लिए मस्त है। आप यहाँ पे आओ तो आराम से, अगर थक गए हो तो यहाँ पे आकर बैठ जाओ, मस्त झूला भी है, मेरा झूले पे एकदम मस्त बैठकर जो करना हो वो करो। फिलहाल मैं तो अपना वीडियो बना रहा हूँ बैठे बैठे, ठोका आ गया। अरे ज़्यादा मस्ती नहीं करना है, तो यहाँ वाले आएंगे और मुझको ठोक देंगे, गोली मारे भेजे में। पिछली बार आया था इतना फ्री से नहीं घुमा था, क्योंकि उस टाइम भीड़ बहुत था और पब्लिक भी बहुत सारी थी। ओ वाह ये नदी है यहाँ पे, देख रहे बहुत अच्छा खासा नदी है यहाँ पे। तो आज न्यू ईयर है, 1 जनवरी है, इसलिए चलो
आज घूमा जाए। तो घूमने का हमने यही प्लान सोचा कि आज हम यहाँ पे घूमेंगे, इसलिए हम यहाँ पे आज घूम रहे। राजू भाई यहाँ पे बैठे हुए झूले वाले पे दिख रहा है, मस्त अपना झूला खा रहे, बात कर रहे फोन पे, वो भी सबको हैप्पी न्यू ईयर की विश कर रहे हैं जैसे मैं आपको कर रहा हूँ। राजू भाई चले अंदर साइड, गुफा के अंदर घुसते हैं। गुफा के अंदर नहीं, पहले मंदिर के अंदर। हाँ वही गुफा बोलो या मंदिर बनो सेम ही है, एकदम मस्त। बोले बाबा के गए मैं तेर आया छे, वाह बहुत मस्त लग रहा है वाकई में। यहाँ पे चप्पल जूते खोलने क्या कहे, चप्पल जूते यहाँ पे ही खोल देंगे। आ जाओ चौबीस नंबर अपना बर्थडे डेट है इसलिए डाल दिया। दे दो। अरे नहीं 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 ये नहीं, ये काम नहीं। चलो चलते अपन। हाँ गलतेश्वर महादेव मंदिर कहाँ चले अभी, मंदिर के अंदर यहाँ पे चले, बहुत मस्त दिख रहा है यहाँ पे। सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा है कि अंदर वो पूजा कर रहे हैं, दिखा देता हूँ। और देखा दस बजे काटेंगे, कल आना आते था इसके लिए नहीं फोन किया लॉकडाउन। यहाँ पे जो बांस लगा हुआ है ना वो महादेव के पूरा बॉडी पे, ये पूरा पहाड़ पे, तो क्या है ना कि वो अभी कलर होने वाला है इसीलिए वो लोगों ने बांस लगाया है। दिखाता हूँ आपको, देखो तो दिख ही रहा होगा आपको, बट आप फिर भी एक बार देख लो। ये रहा देखा, ये पूरा बांस लगा हुआ है, अभी यहाँ पे पूरा कलर होगा अच्छे से, दिख रहा है कितना मस्त। अभी बांस लगा है, बांस हट जाता तो और अच्छा दिखता, बट अभी ये कलर होगा उसके बाद फिर चलते हैं। तो हम अंदर जा रहे हैं, अपन अंदर वीडियो लेने के लिए मना नहीं किया, अपन फिर भी देख लेते हैं, निकाल लूँगा वीडियो कैसे भी करके। कितना सुकून है भाई यहाँ पे, शिवलिंग जय महाकाल। ये जो भी दिख रहा है ना एकदम 3D वर्क है, हाथ से काम किया गया है, एकदम मस्त दिख रहा है। देखो कितना अच्छा दिख रहा है, इस गुफा के अंदर है हम, यहाँ का व्यू बहुत अच्छा दिख रहा है। अंदर का एरिया है, अंदर ये मस्त है, ऊपर महादेव जो खड़े थे ना वहाँ का एरिया है, कितना अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। ये देखो गणेश जी, वाह बहुत मस्त दिख रहा है सचमुच में। हम जाने वाले कुछ ऐसा है, यहाँ से हम टिकट लेंगे और अभी चलेंगे। बे टिकट आपको, एक टिकट ना कितना 50 बे टिकट आपको। हाँ ये रहा अभी मैं, अभी यहाँ पे काम चालू है, देखा आपने ऊपर काम चालू था और हम अभी एकदम नीचे जाना है, एकदम नीचे। और जो पीछे का एरिया दिख रहा है कितना मस्त है, चलो अभी चलते हैं। तो मैंने बताना एक चीज़ भूल गया कि यहाँ पे एक जन का टिकट 50 रुपये लगता है स्विमिंग पूल में जाने के लिए,
सो अभी हम जाने वाले हैं अंदर स्विमिंग पूल में नहाने, और पीछे का पहाड़ तो दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो अच्छे से बाद में दिखा दूंगा आपको। फिलहाल तो अभी इस नदी का मजा लेते हुए मस्त चल रहा है हमको। एक जन का 50 रुपये टिकट है अंदर नहाने के लिए, और यहाँ पे बहुत लोग आते हैं नहाने के लिए। एक और बार आया था मैं, वो आपको दिखा देता हूँ जगह। चलो अभी आपको दिखाई देता हूँ नहाने वाला एक मस्त प्लेस। तो अभी हम जो जाने वाले, ये रहा यहाँ पे दिख रहे हैं। अभी तो यहाँ पब्लिक बहुत कम है, बहुत मतलब बहुत कम है। एक जन का 50 रुपया लगता है और हमको यहाँ पे नहाने का है। दिख रहा है यहाँ पे लेडीज नहा रही है। वैसे कोई कंपलसरी नहीं कि यहाँ पे लेडीज ही नहा सकती है, अभी सब लोग नहा सकते हैं। वहाँ पे कुछ जेंट्स और लेडीज साथ में नहा रही है, पर अभी हम यहाँ पे नहाएंगे। चलो तो अब चलते हैं, मस्त आते पानी दिख रहा है, तापी रिवर है अपना। ये कितना हैप्पी दिख रहा है, वाह मस्त दिख रहा है। मतलब एक मेरे से बहुत बड़ा मिस्टेक होगा कि मैं यहाँ पे तौली लेकर नहीं आया। हम दोनों ये सबसे पड़े कि नहा तो लेंगे हम, कपड़े से मतलब किससे हम पोछेंगे अपना बॉडी। भाई झट कर देखो कपड़े वपड़े खोल के नहा रहा है वो भाई। सो यहाँ का सीन तो बहुत ही अच्छा है, कितनी सारी सीढ़ियाँ है। वहाँ से एकदम मस्त चल कर आए मैं और राजू भाई। उतरने में तो उतना कुछ लगता नहीं मेहनत, पर चढ़ेंगे तो मालूम चलेगा ऊपर से नहा कर। फाइनली मी एंड राजू भाई जा रहे हैं अब नहाने। हमने अपना कपड़ा चेंज कर लिया है, नहीं नंगे नहीं है हम नंगे नहीं है अभी। अभी हम जा रहे हैं नहाने, मस्त ट्रैक पैंट लेकर आया था। सो चलो नहाने चलते अब। अरे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो तैरने लगेगी। हमने नहाना चालू कर दिया है और हम बहुत ठंड लग रही है, पानी में जा रहा हूँ मैं आराम से। यहाँ पानी में आ चुका हूँ मैं, राजू भाई। आज राजू भाई का बर्थडे है इसीलिए आज मेरी तरफ से कि चलो आज हम लोग घूम रहे हैं, मस्त इंजॉय कर रहे हैं और मिलते हैं एक न्यू स्टेप पे। दोस्तों बात ये है कि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, धूप कभी आ रहा है कभी जा रहा है। राजू भाई तो अपने एंजॉय में लगे हुए, और मेरी बात करें तो बहुत ज़्यादा ठंड लगी हुई है, एकदम ठंड लग रही है और ठंड का मौसम चल रहा है। ठंड में एकदम स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं हम लोग ये रहा, और यहाँ पे पब्लिक बहुत कम आई हुई है। यहाँ पे इतनी कम पब्लिक आई है, पर यहाँ पब्लिक बहुत ज़्यादा होती है। हम दोनों ने दो बार नहाया है, आज राजू भाई का बर्थडे है तो एक बार नहीं हमने दो बार आज नहाया है, और फर्स्ट दिन हो रही है। और यहाँ पे आज बहुत ठंड लग रही है, हद से ज़्यादा, क्या ही बता दूँ आपको, एकदम ज़्यादा वाली ठंड लग रही है, कुछ कह नहीं सकते। जय जय महाकाल, हर हर महादेव। मिलते हैं, तैयार होते हैं, कपड़े वपड़े पहनते हैं, और अभी हमको वहाँ जाना है महादेव के पास। चलो दोस्तों यहाँ पे एक रूल्स भी है। अब रूल्स ये है कि यहाँ पे ना पान यानी जो सुपारी जो होती है ना, बिमल उमल जो भी होता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो आप खाओगे तो यहाँ पे इनाम नहीं है, यहाँ पे ना आपको दंड भरना पड़ेगा। देखो अभी दिखा देता हूँ आपको, खुद ही आप देख लो। और जो यहाँ पे अगर जाना चाहते हो तो वो सब ना लेकर आना, तो नहीं तो फिर कट जाएगी आपकी पूरी तरीके से। यहाँ पे एकदम नॉर्मली लिखा हुआ है कि पान मावा तंबाकू गुटखा दंड यानी
नाश्ता करवाने सख्त मना है। नाश्ता यानी कुछ यहाँ पे खाने पीने वाली चीज लेकर आना नहीं है, बिकॉज क्या है ना कि यहाँ का जो पानी है ना, पानी को गंदा उंदा हो जाता है, तो यहाँ पे आकर खा पी कर यहाँ पे सब फेंक देते है, तो इसीलिए यहाँ पे मना किया गया है कि आप लोग नहीं खा सकते हो। और यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे पूरा एकदम लिखा हुआ है कि 500 रुपए का दंड है, पूरा हिंदी में अच्छे से लिखा हुआ है। हाँ, डायपर कच्चा पेटी में डालिए, मतलब कपड़े वपड़े एकदम पहन कर आना यहाँ पे, वो सब है। और यहाँ का जो पानी है ना एकदम क्लीन है, देख रहे हो एकदम क्लीन पानी है यहाँ पे, देखो कितना मस्त। और ये पानी है ना पास होकर यहाँ से होते 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 वो रिवर में जाता है, वहाँ पे रिवर दिखाया था ना आपको, वो रिवर में जाता है। कमेंट में जरूर बताना कि आपको यहाँ का स्विमिंग पूल कैसा लगा देख कर। वैसे तो आप लोग यहाँ पे आओ जरूर, मैं टोपी गीला होते जा रहा है, आओ जरूर घूमो यहाँ पे मस्त, नहीं तो आवाज़ भी आज बैठ गई है, क्योंकि यहाँ पे पानी में नहाते नहाते मेरे को ठंड लग गया है, तो पता नहीं बीमार पड़ना है कि नहीं पड़ना हो तो शाम को मालूम चलेगा, क्योंकि अभी क्या है कि अभी मस्त जल्दी जल्दी हर चीज़ हो रहा है, पता नहीं क्यों एकदम अजीब सा हो रहा है, मन अजीब सा हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोग आओ घूमो इन्जॉय करो, फैमिली के साथ भी आ सकते हो, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि नहीं भाई खाली हम लड़के लड़के आ सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है, पूरी फैमिली आ सकती है यहाँ पे मस्त घूमने वूमने का। तो ओके, सो मिलते हैं एक न्यू स्टेप में, एक न्यू वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल। वाह 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 वाह, देखो ये रिवर की बात कर रहा था कि यहाँ में सब पानी बहकर जाता है, दिख रहा है सर यहाँ पानी बहकर जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छी है ना यार, ठंड बहुत लग रही है मेरे को, कतई जहर वाली ठंड लग रही है, एकदम कतई जहर वाली, मैं क्या बताऊँ आपको, एकदम कतई जहर वाली ठंड लग रही है, बॉडी सूख गया है मस्त। अबे ना हमको कपड़े चेंज कर यहाँ से निकलना चाहिए, टाइम का पता नहीं, देखना पड़ेगा, यहाँ से निकलना चाहिए कपड़े, मतलब कपड़े वपड़े पहनकर, अब देख रहे एकदम ऐसे ही हम अब मस्त कपड़े वपड़े पहनकर यहाँ से जल्दी निकले तो अच्छा रहेगा, नहीं तो लेट हो जाएगा। अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया है और चलता हूँ अभी कपड़े वपड़े चेंज करने, नहाने का तो मजा आ गया, कपड़े का रूम अलग है चेंज करने ओढ़ने का, यहाँ पे आप अगर आप यहाँ पे आए हो नहाने धोने तो आपको कपड़ा तो चेंज करना पड़ेगा ना, कि हाँ भाई कपड़ा चेंज करना है। वैसे तो पिछली बार हम लोग यहीं पे कपड़े चेंज मतलब निकाल लिए थे, बट हमको पूछा मालूम नहीं था, तो फिर हम लोगों ने पूछा थे भाई यहाँ पे कपड़े वपड़े चेंज करने, तो यस ऊपर चलो, तो अभी हम वहीं पे जा रहे हैं, वहाँ पे जाकर आपको अभी दिखा देता हूँ कि हाँ यहाँ पे कपड़े चेंज करने का है, चलो चलते अब। चढ़ते चढ़ते हालत ख़राब हो गई, अभी तो और जाने का, तो इधर है कपड़ा वपड़ा चेंज करने के लिए, यहाँ पे ऑलरेडी लोग कपड़े चेंज कर रहे हैं, अब मैं इसमें भाइयों मैं इसमें अभी कपड़ा चेंज करूँगा और मस्त निकलेंगे यहाँ से, कपड़े चेंज करने के लिए रूम, तो अभी हम लोग यहाँ से कपड़े वपड़े चेंज करेंगे और फिर यहाँ से कल्टी मारेंगे घर के लिए। तो दोस्तों हमने यहाँ पे अभी जस्ट कपड़े चेंज वेंज किया है, हमने कपड़ा वपड़ा चेंज कर लिया, अभी जो हमें करना है वो आगे चलने और वहाँ पे वीडियो बना लेता है। सो यहाँ का जो व्यू देख रहे हो वो भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से देखने में, नदी है बाजू में और यहाँ पे जो कचरे वचरे गंदगी वंदगी दिख रहे हैं वही सब है, तो बस यही सब है यहाँ पे। और हम तो अभी निकलने वाले हैं 12 बजे, वही तो अभी कितना बज रहा है घड़ी पे ना, अभी 11 बजा, थोड़ा देर हम लोग यहाँ पे रुकेंगे, नाश्ता वास्ता अभी तक हमने कुछ किया नहीं, तो हमने महादेव का दर्शन कर लिया, तो अभी हम रुकेंगे, नहा भी लिया, अभी हम खाएंगे और खाने के बाद फिर चलेंगे यहाँ से और देखते चलते घूमते, अभी महादेव वाला सीन बाकी है, वहाँ चलो अभी जल्दी से जाने का वहाँ पे भी। तो हर हर महादेव, हमने नहा धोवा लिया और यहाँ से बाहर आना था, हमको अभी मालूम चला, इन्होंने अभी बोला कि वहाँ से बाहर आना है, ओके चलो अंदर नहीं जा सकते, उधर अंदर भी नहीं जा सकते, ये तो गजब बेइज्जती है, वहाँ अंदर नहीं जा सकते, पर हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। अब हम चलते हैं, वैसे तो अभी ये काम बाकी है, यहाँ पे जो दिख रहा है ना वो काम रुका हुआ है, इसीलिए हम अंदर नहीं जा सकते, कोई नहीं अभी हम तो यहाँ से चलते हैं और चलते हैं अब घर के साइड, क्योंकि अब कोई और रास्ता नहीं है। तो यहाँ पे तो हम दोनों ने घूमा आज, और राजू भाई का बर्थडे है इसीलिए यहाँ पे हमने, और अच्छा लगा हमको आकर, यस हम दोनों की बर्थडे कहीं ना कहीं होती है, तो हम दोनों कहीं कोई ना कहीं मंदिर में जाते जरूर है,
हम दोनों हर साल, ये हम कम से कम 3-4 साल से करते हुए आ रहे हैं हम दोनों के बर्थडे, हमेशा हम कहीं ना कहीं जाते रहते हैं। तो आज ये नसीब में था कि यहाँ हम आ गए, भगवान ने बुलाया और हम आ गए हम दोनों। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कुछ खाए पिए? बहुत जोर से खाने वाला हूँ, अभी नाश्ता करने वाले हैं। राजू भाई ने भी नाश्ता नहीं किया, उन्होंने बोला कि चाय और ब्रेड खाकर आया हूँ। यहाँ पे आते आते उनको टट्टी लग गई थी तो मैं टट्टी किया, उसके बाद फिर अब चलो इनका टट्टी हो गया, खाना वाना पी होकर एकदम मस्त चलते हैं घर की तरफ। ऐसा फोटो आएगा? ओ ये मस्त आएगा, ऐसे फोटो आएगा, एक फोटो ले लेते हैं फिर अब घर की तरफ निकलते हैं। चलो हम अभी चलते हैं, बहुत जोर से भूख लगा, हम भुट्टा खाएंगे, भुट्टा खाने के बाद फिर घर पे निकलेंगे। इनको हंसी आ रही है, तो भुट्टा ही खाएंगे ना, मकई का भुट्टा जो कहते हैं उसको। आपके पास हमें क्या कहते हैं आप? जरूर बोलना। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप महादेव की तरफ से सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो में। तो हमारी चप्पल जूता कौन लेगा? हम दोनों यहाँ चप्पल जूते जा रहे, चप्पल जूता आपकी वहाँ पे रखा हुआ है, तो के जा रहे थे हम। लगा भगवान को जाने का मन नहीं कर रहा है ना, बोलते नहीं तुम आज यहाँ पे रुको, तुमको कहीं जाने का नहीं है, है ना? बुलाता हूँ मगर जाने का नहीं, बुलाता हूँ मगर अरे भगवान बुलाते जाना पड़ता है, जग भरा कर भी जाना पड़ता है, अपन जाना जरूर पड़ता है। हम अपना चप्पल जूता लेना भूल गए थे, फिर से हम चप्पल जूता लेने जाएंगे। तेरा मुंह नहीं दिख रहा है, कपड़े से लोग पहचान जाएंगे। हाँ भाई, सुमित भाई जूता पहनने की तैयारी कर रहे हैं, उसको जूते से मार पड़ने वाला है। जूता चप्पल पहनना हमने भूल गया था, तो हम फिर से वापस आए जूता पहनने के लिए, और कुछ क्या, और कुछ नहीं था, हम इतने महान इंसान है, देख लो आज हमको। जूता का वीडियो बनवा रहा है, कहीं देखने को नहीं मिलेगी, देख लो जूता का वीडियो बन गया है, अब लाइसेंस नहीं बना जूते का, देख लो। मैं मोजा पहनने का अलग तरीका है, देख रहा है उल्टा कर दिया हूँ मैं, मुझे यहाँ तक आता है, उल्टा कर दिया इसको, मेरे को पूरा दिखाना अच्छा नहीं लगता है। चलो हम जा रहे हैं अपने घर की ओर, और अभी हमें है ना भुट्टा खाना है, तो हम भुट्टा खाते हुए आपको दिखाते हुए आपको ललचाते हुए अभी हम घर पर जा रही है। मस्त दिख रहा है, जो भी है मुझे नहीं पता क्या है उसमें, देवी भवन लिखा हुआ है वहाँ पे, देवी भवन लिखा हुआ, तो मुझे नहीं पता क्या है, पर अभी तो बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, भुट्टा खाने के लिए बहुत बेचैन हूँ मैं, भुट्टा खाऊंगा फिर निकलूंगा, और फिर चलो हर हर महादेव। भुट्टा जल्दी जल्दी भुट्टा खा गया भुट्टा वाला। अरे भाई आ चुके हैं, क्यों लेट्स गो। यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम है, बोलता है कि भाइयों तुम वहाँ से नहीं, तुम अब आगे से निकलो, आगे से निकलो, हम पीछे से आए थे पहले, बोलते आगे से निकलो, पीछे से आए, चलो मिलते आगे से निकलो, कौन से नहीं बोलते यो मेरे फोन में नहीं आ रहा, मोबाइल गिर जाएगा मेरा पीछे। हाँ आपने कितना ने चेक 20 नहीं एक बे आपने एक हूँ आप। हाँ 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 गर्मा गर्म भुट्टा बे आप एक रह वाले तो नहीं खाओगे? क्यों नहीं खाओगे? अभी मसाला मार के तो खरी ऐसे नहीं, ऐसे 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 बस बस मेरी उल्टी कर। आओ फ्रेंड्स भुट्टा खा लो, अगर कुछ नहीं तो यहीं पे खा लो, ज्यादा नहीं 20 रुपए का ही। आप नहीं खाओगे सच्ची? तो क्या खाओगे? ये खाओगे? नहीं मैं नहीं खाऊंगा, वो पॉप के साथ बोबड़ा पटाखा वो तो खा लो। हाँ तो हमने तो भूमड़ा बटाका खा लिया और मकई का भी खा लिया है,
बात यह है कि सर्दी बहुत लग रही है मेरे को, ठंडी लग जा सर्दी ठंडी नहीं, हाँ ठंडी भी कह सकते हो, ठंड बहुत लग रही थी मेरे को वहाँ पे। तो हमने अभी कर लिया बाहर से, वहाँ पे देखा था आपने कि हमने किया। चलो ओके, अब हम मिलते हैं। टोपी को उल्टा करना पड़ेगा नहीं तो फिर से गिरेगा। हरार महादेव, हरार महादेव। तो अभी हम लोग मस्त वीडियो बनाने निकले हैं रील्स के लिए। अपने सॉरी मैं नहीं दिखा सकता, वरना कुछ और दिख जाएगा मतलब गाड़ी उल्टी पलटी हो जाएगी। मैं ये चला रहा हूँ, मैं तो ये कार से गाड़ी चला रहा हूँ बस। वो ये जगह था ना, वो पानी नीचे नहीं है, पानी नीचे नहीं है। यहाँ पे एक और ब्रिज था, ये क्या ये ब्रिज है भाई, पूरा खराब होगा ये एरिया। यहाँ पे हम लोग आए थे वीडियो बनाने, एरिया ने बहुत ही खराब कर दिया। यहाँ पे पानी का नामो निशान नहीं है। आगे गए, ओहो आगे देखो आप क्या दिख रहा है, मस्त है क्या दिख रहा है, खुला आसमान। चलो तो खुला आसमान बनाने का था, कहाँ पे बनाया, यहाँ पे बनाना था, पानी नहीं है और यहाँ पे जनरेटर लग गया। चलो बस स्टेप पर चलते हैं मेरे कॉलेज के पास, टर्न मारो। मैं अपने कॉलेज में आया हूँ चक मराने। एंड माय ब्रो कपिल, हम दोनों अपने कॉलेज की तरफ निकल चुके हैं। ये मेरे कॉलेज का रास्ता है, आपको पहले ही बता चुका हूँ, नहीं देखे और देख लेना क्या कर रहे हैं। चलो अभी है ना कॉलेज का रास्ता दिख रहा है एकदम सीधा वाला, वहाँ पे हम जाएंगे। यो नाश्ते नाश्ते, सॉरी गाड़ी ड्राइव करते करते ये तो कचरा पेटी दिख रहा है, ये तो क्या एरिया है ना, क्या मस्त सीन है। कटला लड़का सो जाओ, कटला लड़का सो जाओ। देख जय महाकाल, अरे मारे महादेव आपने दर्शन दिया, बहुत अच्छी बात है, दो बार दे दिया आपने दर्शन। और क्या चाहिए, क्या चाहिए तेरे को, बोल भाई, कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी चाहिए। कॉलेज कॉलेज आएगा कहाँ पे, देख सामने ITI लिखा है, चार है काम कर, पूछे कुछ सा बस स्लो 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 स्लो। यो मेरा कॉलेज है, ये कॉलेज है यो। फोन पे लगा, वही फोन पे लगाई कर दो और कुछ नहीं, कॉलेज इसके लिए सब्सक्राइब करो जल्दी, और आगे ले, और आगे ले, मैं आगे का एरिया नहीं घूमूंगा, आज घूमूंगा मैं। हाँ मौज में जाने नहीं देगा, अरे कैसे जाने देगा मौज में, आप भी जाने देगा। पेट्रोल पंप कहाँ बोला, पीछे चला गया और डेपो के पीछे ही। अच्छा डेपो के पीछे था, या डेपो के पीछे पेट्रोल पंप है, वहाँ पे हम रील्स बनाएंगे। एक काला मुर्गा पकड़ 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 पकड़, मैं पकड़ता हूँ, मैं पकड़ता हूँ, मैं भाग गया। ओ ये मैंने बैठा है कि मरने में, चल जाने दे, तू पहली बार आया ऐसे कर रहा है। ये ना गर्ल्स का कॉलेज है, यहाँ पे तक मराठे आते हैं हम लोग, ऐसा कुछ नहीं, आज तक मैं अंदर एंट्री नहीं मारा, पर इतना सुना ही कॉलेज है। चलो मार दे, कूद के जाएंगे अंदर, नहीं 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 यहाँ पे आगे आगे ले, आगे ले, आगे हम घूमना है, घूमना है, आगे घूमना है ब्रो। फील्ड मस्त है, अब यहाँ से क्रिकेट खेलेंगे हम लोग, यहाँ पे हम क्रिकेट खेलेंगे। ओ भाई क्या बात है, इतने सांप घुस जाएगा, कार्ड उठ लेगा। ओके ओके लाभ लाभ, ओके ओके लाभ 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 लाभ, नहीं ओके। मेरे कॉलेज के आगे पीछे इतना मस्त मस्त एरिया है, मंदिर मंदिर मस्त है। नहीं नहीं हनुमान शंकर जी का, व्हाइट कलर का है ना, कि शंकर जी का मंदिर है ना, है ना, है ना। हाँ ये कॉलेज है, अरे यार कॉलेज कितना सारा है, ओहो आगे क्या पढ़ रही है, क्या ट्रेन पढ़ रही है, क्या लगा तो वही है, जाके आए, चल जा एकदम धीरे धीरे जान देंगे, एकदम धीमे धीमे जाएंगे। आगे आगे दिख रहा है, आगे आगे दिख रहा है, आगे इसमें देखते रहो, इस वाले छोटे वाले बॉक्स में। ट्रेन आई है ना, हम लोग छुप छुप हो जाएंगे अभी, हम लोग है ना पता नहीं आगे, हमको लग रहा है, हमको डाउट जा रहा है जाके, ट्रेन की पटरी है तो हम पटरी पे पटरा नहीं, हम पटरी पे जाएंगे आराम से, आके देखेंगे यो पटरी सो जाएंगे, फिर ट्रेन आएगा अपना काम कर देगा। दोस्त हो तो ऐसा हो, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को, दोस्त हो तो ऐसा जो हमेशा मेरी मारता रहे ना। ट्रेन आएगी
तुम सो जाएंगे उड़क जाएंगे और क्या होगा, हो गया हमारा ब्लॉग वीडियो आज का, कल न्यूज में आएगी। यो ब्लॉगर तो गया, साल का आखिरी ब्लॉग, साल का आखिरी ब्लॉग, यो गया। अरे क्या रे, यहाँ पे रुक, यहाँ पे रुक दे, ले लेते ऊपर रेल पटरी तो नहीं। ओ नाइस नाइस, हम कहाँ आ गए? मेरे को क्या पता यार, तेरा कॉलेज है, तेरे को आना होगा। ओह कितना मस्त प्लेस है, कितना मस्त प्लेस है भाई। इसमें तो क्या बोलूं, गाड़ी को उतार घंटा लो उतार चलाने में ना, वहाँ पे दिमाग की अट्ठा अट्ठा हो जाएगा। कितनी शांति है यारो। अबे यार छोड़ दे उसको, गाड़ी के रहने दे कपिल। कितनी शांति है यहाँ पे, चक मारा चक मारा चक मारा और कुछ मत कर। सामने फैक्ट्री है ना? नहीं वो बीड़ी पी रहा है तो वो बीड़ी पी रहा है, वो बीड़ी पी रहा है तो मौसम भी कितना मस्त है आज तो, एकदम एक्शन वाले रील्स बनी जाएंगे एकदम मस्त। वो बीड़ी पी रहा है, मैं जाता हूँ पिलाने उसको बीड़ी। ऐसे पीते ना, मेरे को नहीं पता कैसे पीते बीड़ी, ऐसे कैसे कैसे पीते है ऐसे। एक्सपीरियंस बोलता है, एक्सपीरियंस बोलता है। हाँ दिस इज अ मिनी गोवा, लो बजट लो एंट्री, ये हमारा गोवा, आज से हमारा मिनी गोवा, इधर भी और इधर भी जहाँ देखो वाह हमारा मिनी गोवा है। आप लोग जरूर आओ, तेरे को मस्त इंजॉय करो, खटला उठला बिछाओ यहाँ पे, हमारी तरह मस्त मस्ती करो। क्या लगता है भाई, रील बनाते तो हम लोग अभी जिस प्लेस पे आए है ना, वो प्लेस दिखने में कतई जहर वाली चे थोड़ी अलग लैंग्वेज में बोला, पर ये सब लैंग्वेज मुझे छोड़ने की है। हाँ सो जो जो मैं प्लेस पे आया हूँ ना, वो प्लेस कितना मस्त लग रहा है यार, दिख रहा है गाड़ी तो इधर ही पार्क करते हैं। और यहाँ पे आज का मौसम भी, वो दिखाता हूँ आपको मौसम, ओ ये बहुत आना चालू कर, बनाते वीडियो। हाँ बनाते हैं ना अभी, रील्स वीडियो बनाते हैं, बहुत मस्त लग रहा है प्लेस। कहते ही जाए आज हम लोग यहाँ पे जग मारेंगे। सो मैंने कुछ वीडियो बना लिया है, अभी तक मैंने दो वीडियो बनाया है, और अभी मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त को पिकअप करने, बिकॉज वो कॉलेज से छूट गया है, तो मैं कॉलेज के अंदर तो नहीं जा सकता था, इसलिए मैं जा रहा हूँ उसको लेने। और हम अभी बस डेपो पे वीडियो बनाएंगे कुछ कुछ, और एक लोकेशन अच्छी खासी मालूम चली है हमको, तो हम वहाँ से फोटो खींचेंगे और वहाँ से फिर घर पे निकलेंगे। तो चलो अभी दो वीडियो जो है ना वो मैं देखता हूँ एक बार अपलोड करके, अगर जिस में कॉपीराइट नहीं आया तो ऐसी बात है मेरे लिए, मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा। अगर कॉपीराइट आ गया तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, हमें मालूम चल जाएगा। ठीक है, लिखा होगा इंस्टाग्राम वीडियो, ठीक है इंस्टाग्राम रील्स भी लिखा होगा या फिर इंस्टाग्राम वीडियो लिखा होगा, दोनों में से कोई एक लिखा होगा। आप लोग जाकर वीडियो देख लेना, बहुत मस्त वीडियो है मेरे हिसाब से, और आप आपके हिसाब से बता देना कैसा था वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, तो आओ तुम लोग जल्दी आओ, बाय बाय, फॉलो मी। वो जो येल्लो वाला दिख रहा है ना, वो न्यू ब्लॉगर है, तो उसने ब्लॉगिंग चालू किया है, इसका चैनल मैं आपको दे दूंगा, आप लोग सब्सक्राइब कर। बस डेपो पे आ गया हूँ मैं, ये रहा बस डेपो मेरा, मेरा नहीं, यहाँ पे हम लोग आते हैं, बस आती है चौकी अभी है, चलो पर हम बस से नहीं जाएंगे, हम अपनी गाड़ी लेकर आ जाएंगे। यूट्यूब पे कॉन्टेक्ट, कॉन्टेंट, सॉरी ये तो कॉन्टेक्ट है ना, कॉन्टेक्ट है ये तो, हमको कॉन्टेंट चाहिए। सो वही अभी हम अंदर जाने वाले, नहीं नहीं इसके नहीं, इधर अंदर, इधर दिख रहे हैं उधर जाने वाले हम, चलो चलते मस्त। कभी लोग कुछ लोकेशन देखने का तो लोकेशन हम दिखा कर आते हैं। सो ये रहा हमारा बस स्टॉप, सूरत की बस आ गई है, शायद सूरत की बस है, हाँ आई थिंक बोलेगा अभी रुकना, नहीं 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 हाँ 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 नहीं 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 सूरत की बस नहीं है वो। सो ये रहा अपना बस डेपो, यहाँ पे हम लोग कॉलेज छूटने के बाद यहाँ पे हम लोग आते बस पकड़ते, ऐसी बस होती है सेम टू सेम, ऐसी बस होती है सेम टू सेम, हम लोग फिर घर निकलते। सो कपिल को यहाँ पे वीडियो के लिए, मतलब वीडियो नहीं फोटो के लिए पोस्ट देखना था, पोस्ट नहीं देखना था, एंगल देखना था, एंगल भी नहीं देखना था, नक्शा देखना था, नक्शा भी नहीं देखना था, फोन में देखना था कैसा फोटो आता है बस। ओके दोस्तों से मिल लिया, दोस्तों से मिल लिया, आपस पास की कुछ वीडियो बनाते, पर दोस्तों का मूड नहीं था वीडियो बनाने के लिए, इसलिए हम वीडियो नहीं बनाएंगे। अब हम लोग भी घर जाते, वो लोग तो बस पकड़े और चल गए बस,
कपिल को ये लोकेशन अच्छा लगा, बोल रहा है वीडियो बनाएंगे, कभी वीडियो बनाने आएंगे तो हम वीडियो बना लेंगे। सो लोकेशन तो बहुत ही अच्छा है, दिख ही रहा होगा, पेट्रोल पंप एकदम खाली एरिया, बस बहुत सारी है यहाँ पे, और ये वाला अच्छा दिख रहा है। और एक डायरेक्ट वाला वीडियो बनाया था मैंने, वो इस घर पे बनाया था, इस रूम से, वो भी अच्छा लगा था मेरे को, पर उसमें मैंने अपने आप को डाउन कर दिया था क्योंकि मेरे को उतना अच्छा नहीं, वीडियो में अच्छा नहीं दिखना है, मतलब जो कहते हैं ना क्लियरिटी, वो नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैंने विलन टाइप का वो वीडियो ले एडिटिंग कर लिया। सो ओके, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि अभी हम कुछ खाएंगे पिएंगे फिर चलते हैं, जहाँ भी चलना चलते हैं। अजय ऐसी कॉफ़ी कैसा लग रहा है? खाओ बेकार। इसको तो बेकार लगा, पता नहीं कैसे, मैं तो यहाँ का डेली पीता हूँ, अपन ब्लॉग में डालता नहीं हूँ। हाँ चलो, तू मेरे वहाँ की कॉफ़ी पी ला। मैं तेरे यहाँ की? हाँ, जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ पे। वहाँ पे चलो, ठीक है चलते हैं। कभी चले कब? आज चलो, आज शाम को कॉफ़ी कपिल क्या कर पीते हैं और देखते हैं कैसा लगता है कॉफ़ी। तो कॉफ़ी हमने पी लिया है, अब हम कहाँ चलें? घर पे चलो, तो अभी हम घर पे चलते हैं क्योंकि रील्स तो हमारा एक ही अच्छा बना है, वही पता नहीं कैसा लगा है, आप लोग जरूर बताना देखकर। ओके ओके, सो ठीक है, वीडियो बताना कैसा लगा। ये ओल्ड पार्ट में सिर्फ एक ही अच्छा ऐसी कॉफ़ी है, तो हम लोग यहाँ पे पीने आए। अटक गई थी वहां पे, अंदर ही नहीं जा रही थी, कॉफी अटक गई थी, देखने गया ना, अटक गया, बोलता है भाई मुझे मत फेंक। जैसे कि देख रहे हो आप, कहीं से कोई भी निकल जा रहा है। मैं माफ कर ले, अरे आंटिया साइड में। ओ ये गाड़ी चलाओ, मजा नहीं आ रहा है। कोको पियेंगे शर्मा खाने के बाद। ये रहा अपना आइस, ये रहा अपना कोको। ये हो रहा है मिक्स, जो कर रहा है वो मैं कर रहा, थोड़ा और, ये अभी हिला रहे, सॉरी मिला रहे हैं वही। ये अभी मिल गया और ये हो गया हमारा तैयार। चम्मच उठा ले, कितना बड़ा दिख रहा है ना कोल्ड कोको। ओ भाई पूरा नेक्स्ट लेवल सोच रहा था। हैप्पी बर्थडे टू राजू भाई, हैप्पी बर्थडे। वो नाम कहाँ लिखा है? राजू भाई निकालना, नाम वो मिटा के है, ऐसे निकाल के पहले। अरे वाह, ऊपर के दिन खत्म भी हो गए। तो आपने देखा, हमने मना लिया बर्थडे, क्या करें, था बर्थडे मनाना था तो हमने बर्थडे मना लिया। अभी तो लोग सूप पीने गए, पर मेरा खाने पीने से एकदम मन भर गया है। आपने देखा ऐसे कि बहुत चीज़ खाया पिया, मतलब उनका फ़ोन भी आ गया है, तो अब हमको जाना पड़ेगा क्योंकि वो मानेंगे नहीं ऐसे। चलो देखते हैं, फिर खाते हैं, फिर पीते हैं। भाई 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 भाई, ये गलती कभी मत करना भाई। और ये राजू भाई की फटे हुए हाथ में फोड़ने की गलती कभी नहीं करने का। कुछ होना नहीं चाहिए। हम लोग कैमरा यहाँ पे ना बम फोड़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि आज राजू भाई का बर्थडे है। सो अंदर तो कुछ नहीं है, हमने बहुत सारे बम फोड़ लिए, अभी फोड़ रहे हैं हम। जलाओ जलाओ जलाओ, क्या हुआ? हाँ
लाइटर इसके पास है गणेश। तो राजू भाई के हैप्पी के लिए हम लोग ये छोटा सा काम कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं अपना। अब ये 3 बम बचा है, बाकी ये हरा वाला है जो सूत्री बम कहते हैं गुजराती में, पता नहीं आपके यहाँ क्या करते हैं। तो चलो हम ये करके मस्त मिलते हैं। भाई कौन सा बम है? सुतली। सुतली है गया। ओ ये राजू भाई का बर्थडे है तो सब अपने अपने काम में लगे हुए, सब पटाखे वटाखे फोड़ रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हो। बस यही है, ये रहा है कुछ बम से यहाँ पे डाला है, ये रहा गणेश, पूरा भूकंप फाकी कर डाला है एकदम, देखा पूरा भूकंप फाकी कर डाला है। यहाँ पे इतना भी कचरा हो जाएगा सुबह में, पता नहीं टाइम मिलेगा तो आकर दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बस पटाखे वटाखे सब फोड़ रहे अपने मगर में। सो ओके अब मिलते हैं न्यू वीडियो में। आज का वीडियो हमारा इतना ही था, यहाँ तक ही था। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और हैप्पी न्यू ईयर, अच्छे काम कर देना। सोया बम फोड़ रहे बस।